एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AGVSR। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने बनाई थी? हेनरी मोजले ने बनाई थी 1913 में। इन्होंने क्या किया था, 118 एलिमेंट की अरेंजमेंट की थी। ठीक है, कितने एलिमेंट की अरेंजमेंट की गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 118 एलिमेंट की। और जो हेनरी मोजले हैं उन्होंने जो अरेंजमेंट की थी एलिमेंट की वो अकॉर्डिंग टू की थी उनके एटोमिक नंबर के। ठीक है, और साथ में इन्होंने क्या देखा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। बट जो मेंडलीव था, इससे पहले जो साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया था, 63 एलिमेंट के अरेंजमेंट की थी। बट उसकी जो कंट्रीब्यूशन था बहुत अच्छा था एलिमेंट की अरेंजमेंट में, लेकिन उन्होंने जो अरेंजमेंट की थी वो की थी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। लेकिन हेनरी ने क्या किया है, जो अरेंजमेंट की है एलिमेंट की वो किसके अकॉर्डिंग की है, इसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग की है। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से। और एटॉमिक नंबर क्या बताता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है एलिमेंट में और साथ में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का, और साथ में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी उसके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और साथ में हेनरी मोजले ने क्या उठाया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। भाई इन्होंने अरेंजमेंट की है एलिमेंट की अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो अब मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हम देखें कि सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर को देखते हुए ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ठीक है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। हम इसके देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, अभी कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले आपको KLMN सेल का पता होना चाहिए, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में अपना रोल करते हैं। ठीक है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही जो एलिमेंट है वो अपनी केमिकल रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो KLMN क्या है, ये नंबर ऑफ सेल है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को पुट अप करते हैं एक फार्मूले से 2n स्क्वायर से। n क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ सेल भी कौन सी पोजीशन पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम देखेंगे जो K सेल है वो फर्स्ट सेल होती है हमारी, तो K सेल में आते हैं, इनकी जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता, K में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। L कौन सी सेकंड सेल है, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 जा 8, सेकंड सेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आई थर्ड सेल, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 की 2 के साथ 18, यानी कि ऐसे अरेंजमेंट होगी 2, 8, 18। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, तो देखो यहाँ से 11 इलेक्ट्रॉन है, तो K एल एम फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, सेकंड में आते हैं 8, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हम एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी इक्वल होता है, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, और जो देखो यहाँ पे 11 क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर, तो हम बोल सकते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके, सोडियम के। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की ही हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो K सेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में आई 8 इलेक्ट्रॉन, बट 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो एम इसकी क्या होगी, आउटर मोस्ट सेल होगी, जिसे हम ऐसे दिखाते हैं, ये होगी के सेल, ये होगी एल सेल, ये होगी एम सेल। तो एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है यही क्या होते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी क्या हुई है, +1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ये अब डिटेल में जानना चाहते हो कि कैसे कैटायन 9 बनते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने जाना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, भी जिन एलिमेंट की वैलेंसी सेम निकली, यानी कि जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम निकले, तो उनकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, यानी कि उनकी रिएक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। तो इन्होंने ये देखते हुए उन सभी एलिमेंट को एक फैमिली में रख दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या रख दिया, एक फैमिली में रखा, तो उनका नाम इसने क्या दिया, ग्रुप और पीरियड। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इनमें अरेंजमेंट की थी जो हेनरी मोजले ने, देखो ही अरेंज्ड 118 एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक तो इन्होंने किसके बेस पे की अरेंजमेंट, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे। इससे पहले वाले जो साइंटिस्ट केमिस्ट थे उन्होंने किनके बेस पे की थी अरेंजमेंट, एटॉमिक मास के बेस पे की थी, तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना सभी से। एक क्या है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या की गई थी, भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे क्या किया गया था, एलिमेंट के अरेंजमेंट की गई थी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है,
तो देखो एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि जो हेनरी मोसली हैं उन्होंने एलिमेंट उठाए हाइड्रोजन सोडियम लिथियम पोटासियम, ठीक है, इसने ये चार पांच एलिमेंट उठाए। तो पहले हमें इनके एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, लिथियम का 3 और पोटासियम का 19 होता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन का 1 है तो सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोडियम, सोडियम का अभी हमने निकाला था कि पहली सेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, फिर 1, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या निकले 1, ठीक है, इसका भी 1 निकला, हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 निकला। लिथियम में देखो फर्स्ट सेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में क्या बचा है 1, क्योंकि 2+1=3 हो गया, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1 है, ठीक है। अब देखो पोटाशियम का, पोटाशियम में क्या होता है, फर्स्ट सेल में आए 2, फिर क्या आए 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया 2 और 9, क्या हो गया 8 और 2 क्या हो गया 10, और देखो यहाँ पे अब क्या बचा है 9, तो ये 19 है, तो ये अपने आउटर मोस्ट सेल में 2, 8, 8, 1, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे होगी, ठीक है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इसका देखो 8 और 8, 16, 17, 18 और 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है 1 है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इन्होंने देखा कि जितने एलिमेंट इन्होंने उठाए इनके सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आए 1 आए, तो 1 आए, तो इन्होंने ये सोचा कि जब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ रहे हैं और एटॉमिक नंबर भी इनका इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एटॉमिक नंबर, इन्होंने अरेंजमेंट की थी देखो फर्स्ट 1, 3, 13, 19 ऐसे हैं, ठीक है। तो ये क्या कंक्लूजन निकाला इन्होंने, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हुए इन सभी एलिमेंट को क्या कर दिया, एक ग्रुप में, एक फैमिली में रख दिया, ठीक है। सेकंड जब इन्होंने एलिमेंट उठाए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे, फर्स्ट सेल में 2 आएंगे, सेकंड में 2 आएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का आया है 2। मैग्नीशियम की जब हम देखते हैं अरेंजमेंट 2, 8, देखो 10 और फिर क्या बच गए 2, तो यहाँ पे भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम का कर सकते हो 2, 8, 8, 2, तो यहाँ पे देखो कितने हैं 8 और 8 कितना हो गया 16, 17, 18, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो इन सभी एलिमेंट की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं 2 है, तो यानी कि ये सभी एलिमेंट सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। तो जो हेनरी था उन्होंने इन सभी एलिमेंट को एक ग्रुप में रख दिया जिसका नाम दिया इन्होंने ग्रुप 2, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ध्यान रखना है, अगर जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 1, 2, 3, 4 है, तो उनका जो वैलेंसी है वो सेम रहती है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 है तो उनकी वैलेंसी सेम रहती है। बट अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 है, तो आप 5 वैलेंसी नहीं बोल सकते, क्या करना है 8 में से इनको माइनस करना है, 8-5=3, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी 3 हो गया। और अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6 है तो 8 में से 6 माइनस करोगे तो कितनी होगी 2 होगी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने जो अरेंजमेंट की थी एलिमेंट की, तो इन्होंने क्या बनाए थे, ग्रुप ऑफ पीरियड बनाए, ठीक है, जो हमने अभी मैंने आपको बताया ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड का एक्सप्लेनेशन दी मैंने, यहाँ पे देखो ये क्या है, ग्रुप फर्स्ट है जिसमें क्या रखा, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम रेबिडियम सीजियम, ठीक है। सेकंड ग्रुप में जो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी वैलेंसी 2 थी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, क्योंकि इनकी वैलेंसी सेम आई तो ये इसने यहाँ पे रख दिया। ऐसे करते हुए इन्होंने कितने ग्रुप बना दिए, 18 ग्रुप बना दिए, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम है ये क्या है, ग्रुप है, और जो हॉरिजॉन्टल रो है वो क्या होते हैं, पीरियड होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ ग्रुप है इसमें और कितने नंबर ऑफ पीरियड है, ठीक है। तो जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो क्या है वर्टिकल कॉलम आए हैं उनको ग्रुप का नाम दिया गया है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं 18, मतलब होता है ये ऐसे लाइनिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितने नंबर ऑफ ग्रुप है 18 है, और हॉरिजॉन्टल रो का मतलब होता है ये ऐसे वाली ये लाइन, ठीक है, ये रो। तो देखो जो हॉरिजॉन्टल रो है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उनको क्या बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है, ठीक है। तो आप देखो जो इन्होंने पीरियड बनाए, जो पीरियड की संख्या थी वो कितनी थी, वो हम कैलकुलेट करेंगे, 7 पीरियड है और 18 क्या है यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है। जो 7 पीरियड और 18 ग्रुप बनाए हैं इन्होंने, फिर क्या किया, जो एलिमेंट रखे थे उन एलिमेंट को इन्होंने नाम दिया, ठीक है। तो क्या ब्लॉक का नाम दिया, एक इन्होंने 4 ब्लॉक बनाए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये कैसे बनाए इसको हम न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से समझेंगे।
कार्बन ब्लॉक बनाए थे हेनरी ने वो कौन कौन से थे, एस पी डी एफ था, ठीक है। जो फर्स्ट टू ग्रुप है उनका नाम इन्होंने दिया एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और जो ग्रुप 13 टू 18 है, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो ग्रुप है, ये कौन से ब्लॉक में आए हैं, पी ब्लॉक का नाम दिया इन्होंने, ठीक है। और जो ये बीच वाले बच्चे हैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, इनका नाम इन्होंने क्या दिया था, डी ब्लॉक एलिमेंट दिया था, ठीक है। और लास्ट में जो दो 14 एलिमेंट आए जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कहलाते हैं, इसका नाम दिया इन्होंने F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि जो यहाँ पे ये है लेंथेनियम है, लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 57 है। और जो यहाँ पे यहाँ क्या है सीजियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 58 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ, इनको अलग से रखा गया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ आगे नहीं लिखा गया। क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि जो ये एलिमेंट होते हैं जो लेंथेनॉइड वाले हैं, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। और ये क्या है, रियली ही पाए जाते हैं। और जैसे कि आगे क्या है, यहाँ पे एक्टिनियम है, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 89 है। और यहाँ पे क्या है, थोरियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 90 है। तो इसको भी अलग रखा गया है, जिसका नाम क्या पड़ा है, एक्टिनाइड सीरीज। और लेंथेनाइड था, इसका नाम इसलिए क्या पड़ा है, लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इनको क्या किया गया है, अलग से रखा गया। और ये कितने हैं नंबर में, 14 है, ठीक है। तो अब देखो जो ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड आया था, ये किस में आए हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट में आए हैं, जिसमें क्या है, एल्कली मेटल है और एल्कली अर्थ मेटल है, ठीक है। एल्कली मेटल कौन से है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रेबिडियम, ये है एल्कली मेटल, ठीक है। और एल्कली अर्थ मेटल क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये एल्कली अर्थ मेटल क्यों, क्योंकि ये क्या है, अर्थ के ऊपर ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो मेटल होती है उनकी टेंडेंसी होती है क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, जो क्या है, एल्कली मेटल है, ठीक है। तो अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट का थोड़ा बहुत मैं आपको करैक्टरिस्टिक्स बताऊं कि इसमें मेटल आती हैं, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और साथ में क्या है, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और जो इनके ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, जो एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल हैं, इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में जो पी ब्लॉक एलिमेंट आया, पी ब्लॉक में क्या कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, ठीक है, ये आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। इनमें मेनली क्या होते हैं, देखो पी ब्लॉक में क्या आए हैं, यहाँ पे एक जिगजैग लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली जिगजैग लाइन, ये जिगजैग लाइन किसको बताती है, मेटलॉइड को। तो मेटलॉइड यहाँ पे क्या है, बोरोन, सिलिकोन, आर्सेनिक और क्या है, टेरिलियम और पोलिनियम। ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, यहाँ पे मेटलॉइड है, ठीक है, जो कहाँ है, ग्रुप 13 से है, 14 में भी है, 16 में भी, ठीक है। तो यहाँ से जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें क्या है, मेटलॉइड भी आए हैं, और साथ में यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल। तो इनका करैक्टर कैसा है, नॉन मेटल है। और ये कैसा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। देखो हमने ग्रुप फर्स्ट में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट देखे वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बट जो ये यहाँ पे है ग्रुप, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इनके जो ऑक्साइड बनते हैं, जो ऑक्साइड बनते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के, यानी कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है, और मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो अब बीच के जो बचे हैं 3 से 14 एलिमेंट, ये क्या है, ये आते हैं डी ब्लॉक के अंदर, जो बीच वाले हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक के अंदर आते हैं ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इनका ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, ये नहीं कि इनकी सेम वैलेंसी है, और ये क्या है, मेटल है, ठीक है। और गुड कंडक्टर है किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के हैं, ठीक है। और इनकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, और साथ में ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो लास्ट में जो इस पीरियोडिक टेबल के नीचे जो ये सीरीज बनी हुई है बॉटम में, इनको बोला जाता है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, यानी कि इन जो ये 14 एलिमेंट आते हैं इन दो सीरीज में, इनका नाम क्या दिया गया है, इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, एलिमेंट, सॉरी। तो जो अब हम देखेंगे कितनी रो है, यहाँ पे रो आई है 1 और 2, इन दो रो में क्या है, 14 एलिमेंट आए हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक, ठीक है। एक सीरीज ये बनी है, और एक सीरीज जिनको लेंथेनाइड बोला गया है, और सेकंड जो रो है जो एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होके 103 तक इसका एंड हुआ है, तो इस सीरीज को क्या बोला गया है, एक्टिनॉइड बोला गया है, ठीक है। तो देखो हमने जाना है एस पी डी एफ ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से, ठीक है। तो देखो
एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, हमने ग्रुप फर्स्ट से ग्रुप सेकंड, ठीक है, वो बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। इसमें क्या आते हैं, एल्कली मेटल जो ग्रुप वन में लिखे गए हैं और एल्काइल अर्थ मेटल जो ग्रुप सेकंड में लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इसमें क्या आती है, मेटल आती है और मेटल में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। जैसे हमने सोडियम का ही एग्जाम्पल लिया था, 281 था, इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, वन इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने वैलेंस यानी कि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो ये कैसा बनाएंगे, Na पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। सेकंड में आया था पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक में क्या आए थे, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट आए थे और पी ब्लॉक में क्या थे, नॉन मेटल थे, ठीक है। लेकिन एक जिगजैग लाइन बनी हुई थी जिसको मेटलॉइड बोला गया है और मेटलॉइड कितनी है, 6 है, ठीक है। फिर बनाया डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में आए हैं 3 से 12 ग्रुप के, ठीक है, जिनका नाम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला गया है और इनकी क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, ये नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। और साथ में क्या किया गया है, ये कैसा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट के हैं तो इनके जो वैलेंसी ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। लास्ट में है यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं लेंथेनोइड और एक्टेनोइड सीरीज जो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए हैं, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट अरेंज इन टू रो एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो क्या है, लेंथेनोइड एंड एक्टेनोइड। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं, यहाँ पे 14 आते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमने जाना है किसके बारे में, न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। लेकिन जो इसका लास्ट में जो ग्रुप बना है, लास्ट में जो 18 ग्रुप है, यहाँ पे ये वाला 18 ग्रुप में क्या रखा गया है, नोबल गैसेस को रखा गया है जिन्हें हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। इनर्ट गैस देखो कौन कौन सी, यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ये क्या है, नोबल गैस है, ठीक है। तो इनको इनर्ट गैस क्यों बोला गया, क्योंकि जब हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखा तो इनकी वैलेंसी कितनी है, जीरो निकली है, यानी कि ये ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है ना इलेक्ट्रॉन को ये गेन करती है। इनर्ट गैस इसीलिए बोला गया क्योंकि रिएक्शन शो ही नहीं करती, क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन नहीं करेगी तो कैसे ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन शो करेगी। तो लास्ट 18 ग्रुप को क्या नाम दिया गया है, इनर्ट गैस का नाम दिया गया है, ठीक है। और इनकी जो केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये थी न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसके कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो देखो वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज में तो आप क्या लिखोगे, प्लेसिंग ऑफ आइसोटोप एन एलिमेंट एट वन प्लेस फ्यूली जस्टिफाइड एट इट्स पोजिशन बेस्ड ऑन एटोमिक नंबर नॉट ऑन एटोमिक मास, ठीक है। जो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी इन्होंने हाइड्रोजन के पोजिशन के बारे में अच्छे से बताया, किसके बेस पे भी, एटोमिक मास के बेस पे नहीं एटोमिक नंबर के बेस पे, ठीक है। और साथ में क्या किया गया, इस न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक बनाए गए, उन्हीं 4 ब्लॉक के बेस पे हम आसानी से इस न्यू जो ये पीरियोडिक टेबल बनी थी उसके अच्छे से समझ पाए, ठीक है। 4 ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल मेक द स्टडी वेरी सिंपल, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसको याद करना इजी हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में क्या है, जो हीलियम है, हीलियम के जब हम वो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s2 बनता है, यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो वैलेंसी इसकी 2 है, तो आनी तो चाहिए थी ग्रुप सेकंड में, बट इसको लिखा गया है कहाँ पे, ग्रुप 18 में, यानी कि इनको इनर्ट गैस में रखा गया है, ठीक है। इनर्ट गैस में रखा गया क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट सेल में ही है, फर्स्ट सेल में आई, वैलेंसी तो इसकी 2 निकली है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी के बेस पे इनको ओनली किस में रखा गया, 18 ग्रुप में रखा गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बेस पे इसकी अरेंजमेंट नहीं हुई है, ठीक है। और साथ में क्या, जो लेंथेनोइड और एक्टेनोइड है उनको एकोमोडिएट इन द पीरियोडिक टेबल, भाई देखो लेंथेनोइड एक्टेनोइड हैव नॉट बीन एकोमोडिएट इन द पीरियोडिक टेबल, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये थी इसकी डिसएडवांटेज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।